इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गैस कांस्टेंट की जो दो हमारे पास वैल्यू होती है उस वैल्यू को डिस्कस करेंगे कि गैस कांस्टेंट को जैसे हम लोग आर रिप्रेजेंट करते हैं तो उनकी दो अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। उन वैल्यूज़ को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। अब देखो, आर का मतलब होता ही है, जैसे हमने आइडियल गैस में देखा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो वहाँ पर आर रिप्रेजेंट करता है गैस कॉन्स्टेंट को। अब देखो, अगर आर हमको जूल में कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या ये है, वहाँ पे हमको सपोज करो आइडियल गैस इक्वेशन जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, यहाँ पे जब हम लोग प्रेशर अगर हमको दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर में या पास्कल में दिया हुआ है, या सपोज करो जैसे कि हमारे पास वॉल्यूम मीटर क्यूब में दी हुई है और टेम्परेचर कैलविन में दिया हुआ है, इस कंडीशन में आर की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ से अगर मैं आर निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, पी वी अपॉन एन टी। यहाँ पे हमको पता है ये सारी वैल्यूज़ अगर यहाँ पे रख दी जाए तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है। देखो, आर की प्रेशर तो हमारा क्या पास्कल है, तो यहाँ पे जो भी कन्वर्जन है वो हमको थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे। आर की फर्स्ट वैल्यू निकालने के लिए देखो, ये 10^5 पास्कल हो जाएगा नॉर्मली, इंटू वॉल्यूम हमारा किस में दिया हुआ है, मीटर क्यूब में। तो लीटर को जब भी हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो ये 22.414 × 10^2, ये किस में होता है, लीटर में होती है वॉल्यूम। बट इसको अगर हम लोग मीटर क्यूब में लेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10^3 से 10^-3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर इसका हम लोग मोल की बात करें तो यहाँ पे हमको मोल्स कितना लेना है, मोल्स हमको 1 लेना है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1। और टेम्परेचर हमको पता है कि 0 सेंटीग्रेड में कितना केल्विन होता है, 273। तो उस 273 को अगर यहाँ पे हम लोग केल्विन के फॉर्मेट में लेंगे तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलती है, देखो, आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये हमको आर की वैल्यू मिलती है। और मैक्सिमम जगह पे हम लोग आर गैस कांस्टेंट की यही वैल्यू को यूज़ भी करते हैं, तो बहुत लोग को डाउट होता है कि ये वैल्यूज आती कहाँ से हैं। तो ये गैस कांस्टेंट की फर्स्ट वैल्यू है, बट हमने कभी कभी नोटिस किया होगा कि गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.8021 भी दी हुई होती है। तो दूसरी वैल्यू भी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि दूसरी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। अब सपोज करो कि हमको गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, आर अगेन हमको पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है और आर हो जाएगा पी वी अपॉन एन टी। तो अगर हम लोग गैस कांस्टेंट की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो यहाँ पे देखो हमको प्रेशर वगैरह, प्रेशर वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर जो है वो उनकी यूनिट को चेंज करके दिया हुआ होगा या फिर हमको चेंज करनी पड़ेगी। मान लो अगर प्रेशर एटीएम में दिया हुआ है, वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है और टेम्परेचर हमको केल्विन में दिया हुआ है, तो इसके लिए आर की वैल्यू क्या निकल जाएगी, जैसा भी हम लोग ने पिछले टाइम भी लिखा था आर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो आर की वैल्यू क्या हो जा रही थी हमारे पास, पी वी अपॉन एन टी। तो देखो, प्रेशर यहाँ पे हमको किस में दिया हुआ है, एटीएम में दिया हुआ है, राइट है। तो एटीएम में हमको पता होना चाहिए कि जब हम लोग प्रेशर लिखते हैं तो ये 1 एटीएम है नॉर्मली, वॉल्यूम हमको डायरेक्ट लीटर में दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 22.414 लीटर, 1 मोल की वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल 1 है तो 1 मोल इंटू टेम्परेचर अगेन 273 केल्विन ले लेंगे यहाँ पे। अब इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको मिलता है आर इज इक्वल टू 0.08021, राइट है। अब ये जो वैल्यू आएगी ये डेसीमीटर क्यूब में आएगी, डेसीमीटर क्यूब एंड एटीएम में आएगी। अब देखो, लीटर और डीएम क्यूब की वैल्यू एक ही है तो इसको हम लोग नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो आर की सेकेंड वैल्यू है ये किस में आएगी,